आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपने अगर फॉरेवर में अपना प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया है तो क्या फॉरेवर कंपनी आपकी आईडी डिलीट कर देती है। आज हम इसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉरेवर से रिलेटेड आपको मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि क्या फॉरेवर कंपनी हमारी आईडी डिलीट कर देती है कि अगर हमें प्रोसीजर नहीं कंप्लीट किया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपनी आपकी आईडी डिलीट नहीं करती है अगर आपने प्रोसीजर नहीं किया है तो। कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है प्रोसीजर लेवल को कंप्लीट करने के लिए, और अगर आप तब भी अपना प्रोसीजर लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी आपकी आईडी कंपनी डिलीट नहीं करती है। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम अगर हमने अपना प्रोसीजर लेवल कंप्लीट नहीं किया है और तो क्या हमारी अर्निंग नहीं स्टार्ट होगी, क्या हम अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी की एक प्रीफर कस्टमर पॉलिसी है जिसके हिसाब से आप 5,000 की बिलिंग करके प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अपनी आईडी से और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। 5,000 की बिलिंग करने के बाद जब आप फॉरवे के प्रीफर कस्टमर बन जाते हैं तो आप फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो जब आप 5,000 की बिलिंग करने के बाद यहाँ के प्रीफर कस्टमर बन जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट भी कर सकते हैं और आप बाद में आप अपना 2CC लेवल भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपने 2CC कंप्लीट नहीं किया है तो किस तरीके से आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताया था पहले कि कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है 2CC लेवल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कंपनी वो टाइम आपको जो 2 महीने का देती है वो किस हिसाब से कैलकुलेट करके देती है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से जो कंपनी है आपको 2 महीने का टाइम देती है वो कैलेंडर के हिसाब से आपको टाइम देती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से 2 महीने को कैलकुलेट करके आपको 2CC लेवल कंप्लीट करने का वक्त देती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपना 2CC लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो आईडी है वो कंपनी डिलीट नहीं करती है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते ही ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।